खबर प्रयागराज से जहां नैनी थाना अंतर्गत बशवार गांव में रोड पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें तीन नाबालिग सहित एक व्यक्ति के बुरे तरीके से जलने का मामला सामने आया है, जिसमें जलने वाले व्यक्ति सुधीर कुमार की अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मौत हो गई। आपको बता दें, प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के बसवार गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री जो कि प्रयागराज के मीरापुर अतरसुईया के रहने वाले लक्ष्मण दास की पटाखा फैक्ट्री थी, जिसमें आज सुबह लगभग 8:30 बजे आग लग गई। आग लगने के कारण बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। लगभग 500 किलोग्राम के लाइसेंस वाले इस पटाखा फैक्ट्री में फुलझड़ी अनार बनाने का काम किया जा रहा था। तीन नाबालिग एवं 50 वर्षीय व्यक्ति की बुरी तरह से जलने की खबर मिली। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल सुधीर कुमार को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गए। पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और नाबालिगों द्वारा फैक्ट्री में काम क्यों कराया जा रहा था, इसकी भी गहनता से जांच की जाएगी। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज जनपद से मोहम्मद हारून की रिपोर्ट। दीवार भी ठंडी कर